हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी खस्ता नमकीन रेसिपी। अगर आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो इस चटपटे नमकीन की रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए। सूजी आलू का नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है बारीक वाली। आप कोई भी मेजरमेंट के लिए कप, ग्लास, कटोरी ले सकते हैं। इसी से हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसमें हम 1 कप सूजी में 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप और थोड़ा सा आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, यानी कि 1/4 कप है ना। और इसे गर्म होने देना है। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। और इसमें अच्छे से उबाल आ चुकी है तो अब इसमें हम सूजी को ऐड कर देंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और सूजी को अच्छी तरह से मिला दें और इसको हम थोड़ा सा ढक के रख देंगे ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाएगी। तो सूजी को 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक यहाँ पे आलू छील लेते हैं। तो आलू मैंने यहाँ पे बॉईल किया हुआ लिया है। इसे हमें अच्छी तरह से उबालना है, कहीं भी कड़ा कच्चा बिल्कुल भी ना रहने दें, नहीं तो क्या होगा कि नमकीन बनाते समय पे दिक्कत होगी। तो चलिए मैंने यहाँ पे आलू को छील लिया है, इसे ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से ग्रेट करें, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना रहने दें फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे सभी आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट करते समय पे अगर थोड़ी भी गुठली रह जाती तो उसको अच्छे से मैश कर लें या फिर उसको अलग कर दें। तो मैंने यहाँ पे सभी आलू को ग्रेट कर लिया है। चलिए जो सूजी है इसको हम परात में निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। और इसमें हम थोड़ा सा हाथ में 1 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे और इसको हम अच्छे से मसलेंगे। तब तक मसलेंगे जब तक कि डो जो है एकदम सॉफ्ट ना बन जाए, तब तक हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मसल लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। अब ये ग्रेटेड किया हुआ जो आलू है इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो हाथ में हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लेंगे और इसको हम इस तरह से मसलते हुए एकदम सॉफ्ट होने तक डो रेडी कर लेंगे। देखिए, है ना, नमकीन का जो डो बनता है इसी तरह का हमने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो चलिए इसे ढक देते हैं, 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तो चलिए यहाँ पे नमकीन में बढ़िया सा ट्विस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ मसाले रेडी कर रही हूँ। तो चलिए इसे ध्यान से देखिएगा। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि चटपटा ही नमकीन अच्छा लगता है। काला नमक यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल देंगे। इसी के साथ इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टेबल स्पून। चाट मसाला डालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो टेस्ट आता है नमकीन का बहुत ही बढ़िया आता है। सादा नमक डाल देंगे थोड़ा सा, 1/2 छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए फ्रेंड्स। 1 टेबल स्पून चीनी का पाउडर मैंने पीस लिया है चीनी को, और उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जो नमकीन बनेगा खट्टा मीठा तीखा वाइब बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सेव बनाने वाली मशीन और इसमें 2 तरह की छन्नी है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, एक तो बारीक सेव बना सकते हैं या फिर मोटे सेव। तो मैं यहाँ पे मोटे सेव बनाना चाहूँगी, तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस मशीन में ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। इससे क्या होता है कि जब हम इसमें थोड़ा सा लोई डालते हैं ना तो चिपकती नहीं, इसलिए सबसे पहले क्या करें, ऑयल लगा लें और इस तरह से छन्नी को डाल दें। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोई ले लेंगे और इसमें जितना आता है उतना ही डालिएगा, ज़्यादा फुल नहीं भरना है हमें, बस इसी तरह से डालना है। और इसका अब ये ढक्कन को ऊपर का बंद कर देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से घुमाते हुए बंद करना है। चलिए इसे साइड में रख देते हैं और गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख के तेल को गर्म होने रख दिया है। नमकीन को अच्छा हेल्दी पौष्टिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे काजू को तल लेंगे इस तरह से। डायरेक्ट अगर आप काजू डालते हैं ना तेल में तो कभी कभी क्या होता है, काजू जल जाती है ना, तो इस तरह से छन्नी में रख के आप इसे तलिएगा। थोड़ी बहुत गिर गई है क्योंकि मैंने इसके छोटे पीसेस कर लिया था इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बादाम को भी तल लेंगे थोड़ा सा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट डालना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब इसी के साथ इसमें हम तलेंगे फल्ली दाना। फल्ली दाना तो भाई नमकीन में बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत ही टेस्टी रहता है, अच्छे हेल्दी भी होते हैं। ये सब चीज़ें डालने से नमकीन का टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आता है। और इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश जो है जो नमकीन में
जो इसका टेस्ट आता है ना एकदम मीठा खट्टा बहुत ही बढ़िया लगता है। कड़ी पत्ते डाल देंगे 20 से 25, इसे भी हम इस तरह से तल के निकालेंगे और जो मसाला रेडी किया था इसमें हम इन सभी को डाल देंगे। जैसे तल के हो जाए तो इसे तुरंत ही मसालों में डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। चलते हैं गैस के पास में। तेल यहाँ पे बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। जब भी अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा डालें तो इस तरह से ऊपर आ जाए तो समझ जाइएगा कि तेल बहुत ही परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से घुमाते हुए गोल गोल घुमाना है। जितना आ सकता है कढ़ाई में हम उतना ही यहाँ पे डालेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नमकीन में बुलबुले आ रहे हैं बहुत जोर जोर से दिख रहे होंगे आपको। जब ये हल्के से शांत हो जाए तो उस समय पे हम नमकीन को पलट देंगे, देखिए है ना। और अब हमें पता कैसे चलेगा कि नमकीन हमारा तल चुका है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तेल बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें बुलबुले नहीं दिखेंगे, देखिए। तो अब हम यहाँ पे नमकीन को निकाल लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रख के नमकीन को तलना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे नमकीन का कलर देखिएगा, बहुत ही सुनहरा कलर सा आया है। तो चलिए मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। बस हमें नमकीन तलते समय पे एक चीज का ध्यान देना है कि तेल जो है मीडियम गर्म होने दें, इससे ज्यादा तेज ना रखें, नहीं तो क्या होगा कि नमकीन जो है जल सकता है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस इसमें भी वैसे ही करना है। तो यहाँ हमारा नमकीन ये भी तल के रेडी हो चुका है फ्रेंड। तो इसी तरह से यहाँ पे जितना भी डो रखा है इसका मैं नमकीन बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमने सभी नमकीन बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये जो सूजी आलू का नमकीन है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम खस्ता क्रिस्पी बनके तैयार हुए फ्रेंड्स। तो अगर आप जैसे कुछ डिफरेंट नमकीन बनाना चाहते हैं तो इस नमकीन की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, तो बिल्कुल भी आप कंजूसी ना कीजिएगा। लाइक करने में कोई इसमें पैसा लगता नहीं है। तो ये अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा जो हौसला है और भी बड़ा रहेगा और इसी तरह से हम आपके लिए इजी क्विक रेसिपी लेकर आते रहेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में।